पानी नींबू का, ये नींबू का पानी है और ये फिर से प्याज डाल दिया है और अभी इसको अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे अच्छे से हिला रहे हैं इसको। और फाइनली हमारा चना जोर गर्म है, चना जोर गर्म है ना, तो चना है जोर है और गर्म भी है, तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ में। सबसे पहले ये क्या डाला भैया आपने? ये प्याज टमाटर और चना डाल दिया है। प्याज टमाटर और चना डाल दिया है, अभी क्या डाल रहे हो भैया? ये चना ही डाल रहे हो? चना ही डाल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये डाला प्याज, प्याज टमाटर, ये मसाला, ये मसाला मिर्ची वाला, मिर्ची वाला है सर। ये जीरा मिक्स, जीरा मिक्स, अच्छा अच्छा, ये आप घर पे ही मिक्स करते होंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अभी क्या डाले हो? नींबू पानी, नींबू का पानी, नींबू का, ये नींबू का पानी है और ये फिर से प्याज डाल दिया है और अभी इसको अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे अच्छे से हिला रहे हैं इसको। और फाइनली हमारा चना जोर गर्म है, चना जोर गर्म है ना, तो चना है जोर है और गर्म भी है, तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ में। और मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगी, एक तो साफ सफाई, दूसरा इनका पेटी, मतलब जो स्टील का बनवाया है ना, तो ये देखिए इनके ऊपर स्कैनर भी लगा है फोन पे का, ये ओरिजिनल आप ही है ना? अच्छा, कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे तो वो भी है ऑप्शन ना। तो ये देखिए स्टील के जो है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी दुकान है, ये इनका रोजगार है, इनका धंधा, इनका बिजनेस है, लेकिन कचरा किसी कचरा को करने का नहीं। अच्छा, कचरा करने का नहीं, वो ये इन्होंने एक थैली यहाँ पे लटका रखी है, जिसको भी ये देते हैं यहाँ बैठ के खाते हैं, और उसके बाद ये पेपर इसमें डालना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, नहीं तो देखिए कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, वो कुकरी जहाज मैंने आपको बताया, और ये एमपी थिएटर्स वगैरह, तो इतनी अच्छी जगह। देखिए अगर यहाँ पे कागज़ वागज गंदगी फैलेंगे तो अपना ही देश है। तो ये मुझे पॉइंट वाली बात लगी भैया की, कि भाई ये जो है यहाँ पे कचरे के लिए थैली रखी, आप ये खा के इसमें डाल सकते हो, साफ सफाई रहेगी, स्वच्छता है वहाँ पे, सुंदरता है, स्वच्छ भारत अभियान में पूरा योगदान दे रहे हैं। और ऐसे इस वीडियो से सबको एक सीख भी लेनी चाहिए, सबको एक सीखना भी चाहिए, ऐसा है सारा भारत के जितने भी नाश्ते वाले हैं, जितने भी लोग इस तरह से खाने पीने का बिजनेस करते हैं, बस ऐसा ही एक पहल करें, ऐसी एक शुरुआत करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप करें। तो चलिए मैं यहाँ पे चना जोर गर्म टेस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको इसका टेस्ट बताऊँगा कैसा है। तो फाइनली चना जोर गर्म मेरा आ चुका है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बैठ के समुंदर के किनारे पे यहाँ पे टेस्ट करूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा यहाँ का टेस्ट कैसा है। सो चना जोर गर्म खाने के लिए मुझे मजबूरन मास्क को नीचे लेना पड़ेगा, नहीं तो मास्क के साथ में मैं इसको नहीं खा सकता। तो फाइनली थोड़ा सिस्टम को फॉलो करते हुए, और चना जोर गर्म है, ये सुबह से मेरा दूसरा नाश्ता है, पहला नाश्ता तो मैंने होटल पर मंगाया था, ब्रेड बटर और चाय है, जो पहली चाय के साथ मैंने लिया था, कल भी वही मंगाया था, काफ़ी अच्छा था। और अभी ये फर्स्ट नाश्ता, सेकंड नाश्ता है मेरा, काफ़ी अच्छा है, चना जोर गर्म, साफ सफाई वाला और एकदम नेचुरल एकदम। तो चलिए पहले मैं कर लेता हूँ नाश्ता, उसके बाद बढ़ूँगा मैं यहाँ से आगे की ओर, नागवा बीच है वहाँ पर जाना है मुझे। फाइनली मैंने यहाँ पे जो है आपको बताया आगे वीडियो के अंदर, जहाज आपने देखा, कुछ लोग बाहर से है, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स की तरह जो शिमला कुल्लू से आए हुए थे, कुछ फैमिलीज यहाँ पे जो घूमने के आए हुए थे, उनसे भी मिला, उनसे काफ़ी मस्ती मजाक किया, काफ़ी अच्छा लगा, उम्मीद है कि वो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ये अच्छा लगा होगा। और उसके बाद अभी मैं जो हूँ जहाज देखने के बाद, ये जो एम पी थिएटर जो कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ, जूम नहीं पूरा वाइड एंगल से बता देता हूँ, आप यहाँ पे नाइट में लाइटिंग शो वगैरह होता है, और ये देखिए यहाँ पे पूरा गोल गोल ऐसा बना हुआ है, ये गोल पूरा, तो यहाँ पे जो है रात में शो होता है, काफ़ी अच्छा शो होता है यहाँ पे। फिलहाल तो बस ये समुंदर है सामने, आप देख पा रहे हो पीछे जब चारों तरफ समुंदर, तो समुंदर है। और ये जो है आप देखिए, ये पूरा एमपी थिएटर्स है ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे नाइट में लाइट्स होते हैं, सारी पब्लिक जो है इस तरह इधर जो बैठने के बनी हुई है सीटी टाइप, तो यहाँ पे पब्लिक सारा बैठते हैं और फिर ये शो चालू होता है। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और अभी ये जो देखिए समुद्र की लहरें हैं जो उठ रही है, समुद्र फिलहाल शांत है, मतलब तो नाइट में थोड़ी लहरें ज़्यादा होती है, बड़ी होती है। देखिए समुद्र की जो लहरें हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें हैं, मीडियम है, आवाज़ थोड़ा मतलब महसूस हो रहा है समुंदर का। और इस तरफ आप देखिए ज़रा, ये चट्टान जैसी बनी हुई है, चट्टान वगैरह, ये नया निर्माण किया गया है यहाँ पे, ये चट्टान जैसा बना हुआ है, तो लहरें यहाँ तक आती है और यहाँ पे आके बोलो बिल्कुल। तो चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, सूर्य देवता, देखिए ये सूर्य देवता है हमारे, सूर्य भगवान, जय हो सूर्य प्रभु, सूर्य देवता की जय हो। और उस तरफ कल बड़ा जहाज आया था, अगर मैं कल अगर उस पर जो आता तो बड़ा जहाज हमारे चैनल वीडियो के माध्यम से देखने को मिलता, जो कि सूरज से चलता है, हजीरा से,
आदमियों के लिए जो बड़ा जहाज़ चलता है, एक दिन मैं उसमें भी यात्रा करूँगा, वो भी आपको आगे हमारे चैनल जेके मथुरा ब्लॉग पे देखने को मिलेगा। सो बिकॉज ऑफ यू कि फाइनली अभी यहाँ से मैं चलता हूँ नागवा बीच के लिए, एमपी थिएटर्स है तो एमपी थिएटर्स काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अभी हम सीधा यहाँ से चलते हैं आगे की ओर, प्रस्थान करते हैं। और हाँ दोस्तों यार, चैनल को अभी तो सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी अच्छी अच्छी जगह हमारे चैनल के माध्यम से, और मैं भी घूमता हूँ और आपको भी घुमाता हूँ घर बैठे। और आप लोग कभी भी आए इस जगह, वीडियो का मतलब पर्पस देखिए मेरा तो शौक है, बट शौक के साथ में आप भी कभी घूमने तो आपको पता चलेगा यार क्या क्या जगह है यहाँ पर घूमने की। तो बस भाई के लिए एक सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना सब्सक्राइब करें। कई लोग क्या सब्सक्राइब कर लेते हैं लाल वाला, लेकिन बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन उसको ऑन नहीं करते, फिर बोलते जेके भाई, कई बार मुझे फोन भी आते हैं बोलते जेके भाई आपका वीडियो नहीं आया, नया मैंने वीडियो दिया, मैं रोज़ डाल रहा हूँ और अभी तो पूरा उसके मैं ऊपर यूट्यूब के ऊपर मैं क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में यार कंटिन्यू हो गया हूँ, मतलब डेली एक वीडियो डालना ही है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, व्लॉग हो, प्रैंक हो, मस्ती हो, तो डेली व्लॉग पर हमारे सुबह में 9 बजे डेली एक वीडियो आएगा, डेली सुबह में 9 बजे आपको एक वीडियो रोज़ हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। अभी मैं यहाँ से आया था सीढ़ी से और मैं इधर से जाऊँगा ये रास्ते से, तो आए थे यहाँ से और जाएंगे यहाँ से, मतलब ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं है वाला, है ना, क्या लेके आए जगत में क्या लेके जाएगा, है ना, बस वही चीज़ है जीवन के अंदर, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाएंगे, बट जीवन जो जिंदगी जी ली वही है। ये है इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम है यहाँ का, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से सारा जो मैंने बताया ना जो एमपी थिएटर है इसका पूरा यहाँ से मैनेजमेंट किया जाता है। तो मैं सीढ़ी से आया था और यहाँ से पैदल वॉकिंग करते हुए जा रहा हूँ, जो कि आप यहाँ पर नज़र आ रहा हूँ। पहाड़ की चढ़ाई होती है वैसा फील हो रहा है, पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ बिल्कुल वैसा महसूस हो रहा है मुझे। और इधर समुद्र है, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, तो चलिए। दोस्तों आपने ऊपर जैसा कि देखा जो जहाज़ था उसके जस्ट हम इधर से वॉकिंग करते हुए नीचे आते, तो यहाँ पे एक मंदिर है माँ कोड़ियर माता का, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है, तो चलिए दर्शन कर लेते हैं कोड़ियर माता के। जय माता जी। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नारियल बताया जाता है। जय माता जी। जय माँ कोड़िया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जय माता जी, जय माँ कोड़िया बड़ी कोड़िया। जय माता जी, जय माँ कोड़िया बड़ी कोड़िया। जय माता जी, जय माँ कोड़िया बड़ी कोड़िया। तो काफ़ी ये देखिए पहाड़ चट्टान के चट्टानों के बीच में आया हुआ मंदिर है ये, तो चट्टाने जो है तो उसके अंदर बना हुआ है मंदिर। तो कमेंट में जय खोड़िया माता जरूर लिखें।